Okay, we'll see the question number 11 to 20 in chapter 32, electric current in conductors. ठीक है, पहला question देखते हैं. Copper wire of radius 0.1 mm and resistance 1 kilo ohm is connected across the power supply of 20. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? तो ohms law, V is equal to IR और I is equal to V by R. I को हम लोग Q by T लिख सकते हैं और V by R is it, और Q is equal to N E लिख सकते हैं. क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ चार्ज, अभी सबकी वैल्यू पुट कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ N. ठीक है, वैल्यू पुट करके यू कैन जस्ट सॉल्व इट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, कितने आ रहे हैं वन एंड से और कितने जा रहे हैं दूसरे एंड से. एंड सेकेंड पार्ट में राइट डाउन द करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो वी एंड आर तो दिया है, स्मॉल आर भी दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए. तो वी गेट दिस वैल्यू बाई आफ्टर पुटिंग द इन ऐसा यूनिट्स. ऑल राइट, एरिया जो है 10 to the power -, यहाँ पे मिलीमीटर में है इसलिए ये आएगी पावर. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अभी. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कॉपर वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, कैरिंग करंट दिस मच, रेजिस्टिविटी इज गिवन, है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है. वी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू वी बाई एल, आर वी कॉल इट वेद फार्मूला. डी लेंथ हो जाएगी, कैपेसिटर में जैसा पढ़ा था सेम यूनिफॉर्म फील्ड के लिए. तो V इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. सभी वैल्यूज पुट करने के बाद तुम्हारा E आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे अभी. वायर हैज द लेंथ दिस मच एंड डिस्टेंस दिस मच, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अगेन E इज इक्वल टू V बाई एल और V इज इक्वल टू E इन टू एल, और V को IR लिख सकते हैं. फिर सारी वैल्यूज दी हैं, एक्सेप्ट E आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर इज एट दिस मच इज दिस एंड कॉपर का इतना है. एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल? ठीक है, अल्फा वन एंड अल्फा टू दिए, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल. आर वन इज इक्वल टू आर टू, और R क्या होता है? रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. ऐसे ही सेकेंड वायर का लिखो, सेकेंड वायर कॉपर का लिखो. पुट ऑल द वैल्यूज आर गिवन. सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर 84.5 आ जाएगा. ठीक है, इट इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना. ऐसे फार्मूला सीखा हमने, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये फार्मूले से जो कंडीशन दी है इक्वेट करना है, इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर लो. सेकेंड टेम्परेचर निकालना, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 20-20. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करंट इन द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स आर मेजर्ड बाय द एमीटर एंड वोल्ट मीटर. द मीटर ड्रॉज नेग्लिजिबल करंट्स. द मीटर इज एक्यूरेट बट वोल्ट मीटर इज जीरो एरर. दैट इज, इट डजेंट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. तो ये या तो ज़्यादा इंडिकेट कर सकता है, से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे तो उस समय हमेशा ये वन वोल्ट दिखा रहा है, या माइनस वन वोल्ट दिखा सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. हम लोग ज़्यादा लेके सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्लस आ गया तो इट इज़ ऑल राइट, माइनस आ गया तो कम दिखा रहा होगा. कैलकुलेट द जीरो एरर इफ़ रीडिंग्स ऑफ टू रेजिस्टेंस टू डिफरेंट कंडीशंस आर दिस मच. तो रेजिस्टेंस तो एक ही है, उसका वैल्यू तो वही रहने वाली है ना. रेजिस्टेंस अब 10 ओम का है तो वो तो वही रहने वाला है. तो डिफरेंट उसमें मेजर कर रहे हैं तो अभी भी सेम रहने वाला है. तो वी वन आर इज इक्वल वी वन बाई आई वन. सेकेंड केस में इट विल बी वी टू बाई आई टू. बोथ विल बी इक्वल टू आर बिकॉज रेजिस्टेंस हैज़ गॉट इट्स ओन वैल्यू. तो हमने इमेजिन किया एक्स एक्स्ट्रा एडिट करा, इधर भी प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ भी प्लस एक्स हो जाएगा. नाउ बाकी वैल्यूज करंट को एज इट इज़ पुट किया बिकॉज इट इज़ एक्यूरेट. ठीक है,
तो यहाँ पर हमने सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू माइनस आ रहा है, मतलब हमने एज्यूम किया कि ज़्यादा रीड कर रहा है बट एक्चुअल में कम रीड करेगा, इसलिए जीरो एरर 0.4 माइनस साइन मीन्स इट विल इंडिकेट लेस बाय दिस मच वैल्यू, हमेशा वो माइनस, मतलब वोल्ट मीटर नहीं भी लगा हुआ है तो उसमें ज़ीरो से लेफ्ट साइड में उसका पॉइंटर होगा माइनस समथिंग, माइनस 0.4, और जीरो से राइट साइड में है अगर तो प्लस वैल्यू इंडिकेट करिए, एक साइड की वैल्यू प्लस होगी दूसरे की माइनस होगी, थोड़ा सा ज़ीरो से नेगेटिव साइड में है वो पॉइंटर उसका। ओके, फिगर शोज एन अरेंजमेंट टू मेजर द ईएमएफ ई एंड इंटरनेशनल आर, द वोल्ट मीटर हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब आइडियल है वो, एंड एमीटर हैज़ सम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर रीड दिस मच 1.52 रीड कर रहा है व्हेन स्विच इज़ ऑफ, ये स्विच जब ऑफ है तो इतना रीड कर रहा है, मतलब ईएमएफ रीड कर रहा है वो, ठीक है, नो करंट फ्लोज हियर और ये आइडियल है। व्हेन द स्विच इज़ क्लोज वोल्ट मीटर रीडिंग ड्रॉप टू 1.45, तो अभी टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होगा तो कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल रीड करता है वो, वी रीड करता है 1.45 एंड अमीटर रीड्स 1, फाइंड ई एम एफ एंड इंटरनेशनल सब जैसे, तो डिस्चार्जिंग में वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो वी जो है 1.45 है और ई 1.52 दिया है, जब स्विच ऑफ है तो ई एम एफ दिखाएगा, इसमें वैल्यू पुट करने के लिए करने के बाद आर की वैल्यू 0.07 ओम आएगी। ठीक है, सेवनटीन देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट एंड इंटरनेशनल 1 है, इट ड्रॉप टू 5.8 है ना व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब करंट ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉप हो जाता है और टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है वो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ई इज गिवन 6 ईएमएफ, आर 1 टर्मिनल पोटेंशियल इतना, तो डिस्चार्जिंग में ई माइनस आई आर आता है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, आई आ गया, ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ तक के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई निकाल चुके, आई पूरे सर्किट का था बट इतने पार्ट के लिए एक्सटर्नल एक्सटर्नल पार्ट के लिए ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर 29 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज दिस मच व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड बाय द करंट दिस मच, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, चार्जिंग में प्लस हो जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज ईएमएफ प्लस आई आर, तो ऑल द वैल्यूज आर गिवन और चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू ईएमएफ, किरचॉफ लॉ से ये ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज 19, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एक्विलेटर बैटरी ऑफ ईएमएफ दिस मच इज 10 when it is fully charged, as the battery gets discharged internal resistance decreases to 1, जब डिस्चार्ज हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इट इज़ गिविंग लेस करंट है ना, फिर चार्जिंग करनी पड़ती है हमें, तो ठीक है, द बैटरी इन इट्स कम्प्लीटली डिस्चार्ज स्टेट इज कनेक्टेड टू द चार्जर ऑफ द चार्जर विच कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9 वोल्ट, हमेशा जो चार्जर होता है ना हाई वोल्टेज रहता है बैटरी की वोल्टेज से, इसीलिए चार्ज कर पाएगा वो, ठीक है। फाइंड द करंट जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड, तो चार्जिंग में मैंने बताया प्लस है ना, ये वाला कंडीशन होता है, फिर चौप लॉ से डिराइव करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, 9 दिया है, ये 6 दिया है, करंट निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था 10 है ना, इनिशियल कंडीशन में जब डिस्चार्ज हो जाती इट गोज़ अप, तो यहाँ पर करंट जो है इनिशियली इंटरनेशनल ज़्यादा है तो करंट थोड़ा करंट कम दिखेगा, धीरे धीरे इंटरनेशनल ड्रॉप होगा तो करंट बढ़ेगा, दैट इज़ सी इन सेकंड केस, सेकंड केस में जब वो चार्ज हो गई इंटरनेशनल ड्रॉप टू 1, तो वैल्यूज पुट कर दिए हमने, ये दोनों सेम रहेंगी, करंट अभी करंट का कैलकुलेशन 0. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 3 एम्पियर और फर्स्ट केस में 0.3 एम्पियर। 20th देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आई वन बाई आई टू
in two circuits, if external resistance are 0.1, then 1, then 10, बढ़ा रहे धीरे धीरे, ठीक है. तो सीरीज़ में है ये, एडअप हो जाती है EMF, रेजिस्टेंस भी सिंगल लूप के सारे एडअप हो जाते हैं, तो 5.7 आ रहा है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.1 है. सीरीज़ में पैरेलल में देखेंगे, पैरेलल में आइडेंटिकल बैटरी है, EMF रिमेन सेम है ना, कौन से फार्मूले से, E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो सेम ही रहता है जब दोनों आइडेंटिकल होती. इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में R/2 हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे यहाँ पर, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो ओम्स लॉ, EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, R प्लस 0.5 आएगा इन दोनों का, तो 10 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस जब कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.1 है, तो वी गेटिंग द करंट मोर इन द पैरेलल, यहाँ पर जो है 10 एम्पियर आ रहा है, और इसमें जो है 5.7 एम्पियर आ रहा है. दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग इन द सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है. सेकंड केस में निकलते हैं, फिर से वही लॉजिक, ऊपर EMF ऐड हो गए, इसमें सेम रहेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस में भी हमने देखा इतना आ रहा है, तो 12/3 4 एम्पियर आ गया, और इसमें भी सेम फार्मूले से R+R/2 ऊपर 6 रहेगा, तो 4. जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, अभी थोड़ा बढ़ाया हमने, 1 ओम किया, तो दोनों में करंट सेम आ गए, है ना. एक पॉइंट और नोट करो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तब दोनों में करंट सेम आता है. देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने हैं, 1 ओम है, और इसका भी 1 ओम है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, और ये 1 है, तो दोनों में करंट सेम आ रहा है, I1 इज इक्वल टू I2. तो दिस इज द अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है ना. थर्ड केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 10 ओम लेके गए, है ना, फिर से नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस से ये आ गया 1, और यहाँ पे भी वही नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस से ये आ गया तुम्हारा 0.57. तो अभी देखो बढ़ गया, सीरीज़ में करंट हैज़ गॉन अप टू 1 एंड ये डिक्रीज हो गया. तो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन गिव्स द मोर करंट, बिकॉज बैटरी का भी एडअप हो रहा है ना यहाँ पे. तुम बोलोगे सीरीज़ में एडअप हो गया तो कम आना चाहिए, बैटरी का भी 6+6 हो रहा है ना, 6+6, और यहाँ पर 6 ही रह रहा है, इंटरनेशनल का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा है, 0.5, दिस 10, बट यहाँ पर ड्रास्टिकली हमें EMF डबल मिल रहा है, इसलिए करंट इज मोर इन दिस केस. दैट्स ऑल इन दिस. नाउ विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट.